उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 21 नवंबर 2014 को जारी स्पष्ट निर्देश के बावजूद 10 माह बीत जाने के बाद भी भदोही जनपद ज्ञानपुर ब्लॉक के छत्रसापुर गांव में निवासी सुखराजी देवी सहित 180 मुसहर परिवारों को समाजवादी पेंशन न बनने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बने मजूरी हम पते जहाँ पाए करे जाए थे तो मिलत ना, हम पते कैसे लड़का प्रधान की यहाँ जाए थे तो कहा थे जी हमसे ना होए तो तोहसे न होए तो कैसे होए, गांव से गांव का प्रधान तू है, हमारे सबका पेंशन ना मिला था, हमारे सबका पतारी दोना बनाई पेड़े रूखे मन सेधु चढ़ाए गिरे हाथ गोड़ टूटे तो कहाँ से पाइप जे लगाए, तो प्रधान हमारे सब का पेंशन नहीं बनवाता है, पेंशन नहीं मिला था हमारे लोग के, और हमारे लोग के लड़का खाए बिन मरे थे, प्रधान के जो आए थे तो प्रधान कहते हैं घूस दे 2000 3000, कहाँ पाई हम लोग गरीब मनाई, और बनी मजूरी कर के खात है करत है, न पानी के साधन बा न रह के साधन बा, पेंशन मिले लगे साहब ये फायदा हो लड़का बच्चा खाई दूटे नाना नहीं कपड़ा हो ना हो आप पढ़ाब लिखाब होना लोग के देत है देत कही तब ना देते न पेंशन बनवात है न कुछ करवात है, कैसे मनाई जीहीन मजूरी किसानी कह के कितना पेट जिया जो बाल बच्चे खा भी न मर जाते हैं, हम सब दिन दिन भर जुदा जा जाता है, पेट संजोग मिलत है भोजन वहाँ ना मिलत तो ऐसे पुआ कह के सो आ जाते पेंशन देते ना है प्रधान न कौनों कुछ देते हैं, हाँ प्रधान मांगत हैं 15,000 रुपये कहाँ के पैसा बहाय। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि समाज कल्याण विभाग के उपरोक्त आदेश का जल्द से जल्द पालन हो ताकि मुसहर परिवारों का समाजवादी पेंशन बन सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि ज्ञानपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94 54 46 51 28 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि मुसहर परिवारों का समाजवादी पेंशन बन सके। मैं केशा देवी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।